तुम सब बच्चे बैठे हो, वालदेन को अपनी जन्नत बना लो, माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, उनकी दुआ ले लो। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती। माँ, माँ का ख़ास तौर पर मेंशन किया, मेरी माँ जिंदा, क्योंकि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है 6 साल। मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मेरा नबी कह रहा है। और जब आप हज पे तशरीफ ले गए और अबवा के मैदान से गुजरे जहाँ मेरे नबी के वालदा का इंतकाल हुआ था, इस बात को 57 साल गुजर चुके हैं, 6 बरस की उम्र में मदीना से निकले 3 अफराद, मेरे नबी, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी के वालिद की बांदी उम्मे ऐमन, वो भी माँ हैं, उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को। 2 माएँ हैं, एक दूध पिलाने वाली, एक पैदा करने वाली, और एक मेरे नबी हैं। जब अबवा के पहाड़ों में पहुँचे तो अचानक हार्ट अटैक से हज़रत आमना 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई। और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया, 6 साल का बच्चा, मैं सन 2000 में वहाँ गया था, मेरे आंसू नहीं रुकने को आ रहे थे कि कहाँ मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया, ना कोई आसरा, ना कोई सहारा, ना कोई रिश्ता, ना कोई झोली, ना कोई छांव, ऐसे तने तनहा यतीम कर दी। जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे, उम्मे ऐमन को से हाथ छुड़ाकर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए। जब उम्मे ऐमन पीछे गई तो आपने, उम्मे ऐमन ने क्या देखा कि अबवा के पहाड़ भी रो रहे होंगे, अब माँ की कब्र को चिमट के ऐसे ऊपर लेटे हुए थे, कब्र को पकड़ा हुआ था, ऊपर लेटे हुए थे। जब उम्मे ऐमन करीब आई तो सुना आप कह रहे थे, अम्मा जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, क्यों चली गई? 6 साल का बच्चा पहली मौत देख रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ के साथ हुआ क्या है। उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, आपने उठने से इनकार कर दिया। इस सदमे को सीने में लिए हुए 57 साल के बाद, 57 दिन बंदा रो नहीं सकता, रोना ही चाहे तो रोना नहीं आता, 57 साल के बाद आप उस वादी से गुजरे, अपने ऊँटनी को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया और इन पिलर्स को 3 गुना करो तो वो पहाड़ बनता है, छोटे छोटी पहाड़ी थी। ऊँटनी को नीचे बिठाया, ऊपर पहाड़ पर गए और ये मुझे देखो, यूँ आपने घुटने खड़े किए माँ की कब्र के सराहने और ये हाथ यहाँ रखे और फिर सर दिया अपने घुटनों में यूँ, फिर रोना शुरू किया। इतना रोए, अप्रैल का महीना था, धूप सर पे पड़ रही थी, हम तो ठंडी धूप में बैठे हैं, शदीद धूप में बैठे थे और इस कंडीशन में, ये बच्चों का स्टाइल होता है, जब लंबा रोना हो तो वो यूं बैठते हैं सर अंदर देकर। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई, सीना तर हो गया, एहराम तर हो गया और कई घंटे बैठ के रोते रहे। 2 जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं, काश अम्मा तू जिंदा होती, तू मुझे कहती मोहम्मद, मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी ने, ये बच्चियां गौर से सुनो, मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्यामत कब आएगी? आपने फरमाया ये तो अल्लाह को पता है। ने कहा या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दे, आपने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क्या मता, बेटियां जब बेटियां माओं के साथ बदतमीजी करेंगी और माओं को जलील करेंगी तो क्या मता जाएगी। एक माँ बेटी को मैं भूल नहीं सकता, माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी माँ से कह रही थी भौक नहीं, हमारी अपनी पंजाबी जुबान भौक नहीं, ओ हो, ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं, वो माँ से कह रही थी भौक नहीं, यानी बकवास ना कर, रुआ के चुप, सिर्फ आंसू उसके गिर रहे थे ऐसे। शायद वो याद कर रही थी कि 9 महीने कैसे इसको मैंने पेट में पाला, जनते हुए कितनी तकलीफ़ों से गुजरी और इसको दूध पिलाते हुए कितनी रातें मैंने काट काट के गुजारी और इसके पेशाब धोते हुए कितनी दफ़ा मैं सर्दी में ठिठरी और आज ये मुझे कह रही है भौक नहीं।
इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जिसने माँ बाप को दुख दिया, सुनो गौर से बच्चों सारे सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर ज़मीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। मेरे नबी की ज़िंदगी का दूसरा रूप हुकूकुल इबाद, नमाज हुकूकुल्ला में आ जाती है। मैं हुकूकुल इबाद की थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ। माँ बाप जिंदा हैं तो दुआ ले लो। वालदैन से कहता हूँ बच्चों को इज्जत दो। जहाँ औलाद माँ बाप के हुकूक हैं वहाँ औलाद के हुकूक हैं। औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो। बहुत सी औलाद की नाफरमानी का ज़रिया माँ बाप बन रहे हैं, सख्ती करके, ज़बरदस्ती करके और ठोंस कर चीज़ें नौकरों की तरह सलूक करके। मेरे नबी के घर में जब बेटी फातिमा मिलने के लिए आती थी तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते थे। जो अब चेयर पे बैठे हुए बीबी फातिमा आ गई, अब ज़मीन पे बैठे हुए हैं बेटी आ गई, अब चारपाई पे लेटे हुए हैं बेटी आ गई। मेरे नबी क्या करते थे? खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते, एकदम खड़े हो जाते थे और फिर खड़े नहीं रहते थे, तेज़ी से आगे बढ़ते थे और हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते। ये वालदैन गौर से सुनो, हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के मुझे देखो ए यूं बोसा लेते थे, बेटी का बोसा लेते थे, फिर हाथ छोड़ते नहीं थे, हाथ पकड़े पकड़े लाते 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 उनको चारपाई पर पहले बिठाते थे फिर खुद बैठते थे। ये बाप और रसूल होकर बेटी को ये इज्जत देते थे। फिर वो जन्नत की औरतों की सरदार बनी, फिर वो जन्नत के सरदारों की माँ बनी, फिर वो अल्लाह के शेर की जौजा बनी। तो वालदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों को इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। फिर आपसे ज़िंदगी के बड़े फैसले हैं शादी। आप लोग इकट्ठे पढ़ते हो लड़के लड़कियाँ, अपनी शादी के फैसले खुद न करो, अपने माँ बाप के हवाले करो। उसमें शराफत भी है, उसमें बरकत भी है, उसमें रहमत भी है और उसमें वालदैन की दुआएं भी हैं। कोर्ट मैरिज को हवा न दो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर हमारा नहीं है। मेरे नबी के तरीके में मर्द और औरत का सिर्फ निकाह से ताल्लुक़ है, इसके अलावा सब जहन्नुम की आग है। और वालदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों से पूछ के रिश्ते करो, ज़बरदस्ती मत करो। मेरा मुआशरा बहुत संगीन किस्म के जुर्म का शिकार है, बच्चों पे मुसल्लत कर देते हैं, इत्थे ही करनी है, जट्टा ची करनी है, बट्टा ची करनी है, पता नहीं आए कितन जट बट, चलो तुम नाराज ना हो, राजपूतें ची करनी, मैं राजपूत हूँ, मैं अपनी कौम को भी रगड़ देता हूँ, राजपूतें ची करनी, अगर करनी ही कोई नहीं। ये जुल्म व सितम औलाद पे मत करो, अपनी बच्ची से पूछो। अगर बेटी हाँ करे तो फिर कदम उठाओ, अगर बेटी कह दे मैं नहीं करना चाहती तो वो नाफरमान नहीं है अल्लाह के वास्ते। मेरी सुनो, सिर्फ तुम नहीं सुन रहे हो, इस कैमरे से लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। अगर बेटा यूँ कह दे कि अब्बा मैंने यहाँ शादी नहीं करनी, मेरा जी नहीं चाहता है, तो वो बेटा नाफरमान नहीं है, फरमा बरदार है, उसने शरीयत का हक इस्तेमाल किया है। अब ऐसा जुल्म मत करो कि नहीं इतने ही करनी है, इतने घरों निकल जा। जिंदगी तुमने तो नहीं गुजारनी, जिंदगी तो बच्चे ने गुजारे। मैं कुर्बान जाऊं, एक हदीस सुनो पहले फिर अगली बात सुना तो। मा तज़व्वजत वमा ज़व्वजत इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगो सुनो, मैंने जहाँ शादी की, मैंने जहाँ बेटी की शादी की, पहले आसमान से जिब्रील फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर आया, फिर मैंने कदम उठाया। समझ गए मेरी बात? समझ गए सारे? अब अगली सुनो। हजरत अली फातिमा का रिश्ता लेने आ गए और जिब्रील उनसे पहले आ गए कि या रसूल अल्लाह फातिमा अली के लिए है। बाप मोहम्मद मुस्तफा जैसा है, रिश्ता मांगने वाला अली जैसा है और बेटी फातिमा जैसी है। और आप पूछते हैं अली कैसे आए? वो शर्म की वजह से कुछ कह ना सके, चुप। आपको तो पता था, आपने फरमाया फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? का जी। तो जिब्रील तनाल बैठा है कि या रसूल अल्लाह इतना ही करना है,
आपने हाँ नहीं की, आपने कहा इंशाअल्लाह और ये कहकर उठ गए। इंशाअल्लाह नबी का हाँ ही होता है, लेकिन जिब्रील के आने के बावजूद और अल्लाह के कहने के बावजूद मेरे नबी को भी पता है कि ये रिश्ता यहाँ कातब तकदीर ने लिख दिया है, लेकिन उम्मत को सबक सिखाने के लिए आप घर तशरीफ ले गए। बेटी फातिमा का जी या रसूल अल्लाह का अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कर दूँ। मैं अपने देहाती बच्चियों पे मुझे रोना आ गया कि जिन्हें पता ही नहीं होता सानू कहीं दे नाल बनते पे जानवर है या इंसान है। अली जैसा तामा, चलो अली को छोड़ो, फातिमा को छोड़ो, जिब्रील आया बैठा है, जिब्रील आया बैठा है। उसके बाद फातिमा से पूछने की क्या गुंज, क्या बात है? जिब्रील आकर कह रहा है या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा है फातिमा अली के लिए है और अली फातिमा के लिए है, और फिर आप कहते हैं बेटी फातिमा हाँ कर दो। हमारी तो आज की बेटियां इनकार नहीं करती, चुप करके गांव माज तरह बन छड़ देन किले नाल। कोई उनके अंदर के जज्बात को सुनने वाला कोई नहीं होता, अपनी अनानियत पर ये फैसले करते हैं। और मेरा नबी कह रहा बेटी हाँ कर दो। आपका क्या ख्याल है, फातिमा ने इनकार करना था? ये तो ये बेटियां नहीं इनकार करती तो फातिमा ने कहाँ करना था। लेकिन ये सबक देना था उन वालदेन को जो नादानी में नादानी के फैसले करके औलाद को हमेशा एक ठंडी आग में धक्का दे देते हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हाँ की फिर आप बाहर निकले। अच्छा मज़े का वाक्य हो, हज़रत अली उठ के बाहर निकले तो सहाबा बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि क्या हुआ। हज़रत अली को भेजने वाले थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, पहले अबू बकर गए तो आपने इनकार कर दिया, उमर गए रिश्ता मांगा आपने इनकार कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अली से कहा आप जाएँ आपका रिश्ता रद्द नहीं होगा। कहने लगे मेरा तो जाती घर भी कोई नहीं, मुझे कहाँ से रिश्ता मिलेगा, मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ। कह नहीं तुम जाओ। तो वापस आते उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ पे चढ़ाई कर दी, वे क्या है ना तू मैनू गले आई, इनकार हो गया। तो साहबा ने पूछा क्या हुआ, कहा कुछ कहा ही नहीं, चुप करके उठ गए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ बोले सही, को बस इतना कहा इंशाअल्लाह का तो मुबारक हो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। अच्छा तो इतने में आप बाहर तशरीफ ले, कहा अली हजी कह लो बुलाओ लोगों को बुलाओ, सॉरी मस्जिद भर गई आपके, सॉरी मस्जिद फुल हो गई। आप मेंबर पे खड़े हुए, अली को सामने बिठाया, कहा लोगो ये जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि मैं फातिमा बिनत मोहम्मद का निकाह अली के बिन अबी तालिब के साथ कर दूँ। फिर आपने खुतबा पढ़ा और कहा कि अली हाय 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 मैंने फातिमा बिनत मोहम्मद को 400 दिरहम महर के इवज तेरे निकाह में दिया, तूने कबूल किया? हज़रत अली ने ज़ोर से नारा लगाया मैंने कबूल किया और सजदे में चले गए, अल्लाह का शुक्र का सजदा अदा किया। फिर मेरे नबी ने वहीं सारे मजमे को शहद का शरबत पिलाया और ताज़ा खजूरें खिलाईं। फिर जब रुख्सती हुई तो आपने हज़रत अली से फरमाया कि आप आके ले जाओ। फिर आपने हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत हफ्ज़ा और जनाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन तीनों को बुलाकर फरमाया तुम्हें पता है ना मुझे फातिमा से कितना प्यार है, तो तुम फातिमा को दुल्हन बनाओ, उसकी तैयारी करवाओ, उसे दुल्हन बनाओ। तो उन तीनों ने हज़रत फातिमा को दुल्हन बनाया। फिर आपने हज़रत अली को पैगाम भिजवाया, वो तशरीफ़ लाए, अपनी ऊँटनी लेकर आए, हज़रत अकील साथ है, सलमान फारसी साथ है, और दरवाजे पर ऊँटनी बिठाई, आप अली को अंदर ले गए और यूँ फातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ में देकर फरमाया अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक। सुभान। फिर आपने कहा मेरी बेटी फातिमा मुझे अपने ख़ानदान में जो सबसे ज़्यादा महबूब था मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया है। वालदैन से कहता हूँ अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो। मेरा दर्द है कि हमारी सकाफत में इस्लाम दाखिल नहीं हुआ, हमारे इबादत में इस्लाम आ गया। बहुत सारा मजमा मर्द औरतों का नमाजी है, हाजी है, उम्रे करते हैं, लेकिन सकाफत में नबूवत की
झलक दिखाई दे, सकाफत में अल्लाह का नबी दिखाई दे, वो नहीं है। ज़िंदगी बीत गई इस इंतज़ार में, मुद्दत से लग रही थी लबे बाम टक टकी, थक थक के गिर गई निगह इंतज़ार, आज पता नहीं कब सुबह होगी। चलो कहते तो जाएं मुझे है अगर चबुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। वालदैन के ज़िम्मे है औलाद को इज्जत देना, उनके सबसे बड़ी ख्वाहिश में उनका एहतराम करना कि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, और आपके ज़िम्मे है वालदैन के आगे सर झुका देना। अल्लाह के वास्ते कोर्ट मैरिजेस और खुफिया शादियाँ, ये हमारा ना हमारी सकाफत है ना ये इंसानियत है। हमेशा दुख दर्दों में ज़िंदगी गुजरती है कि असल ज़िंदगी तो मौत के बाद आने वाली है। तो वालदैन पढ़ें शरीयत को, औलाद भी पढ़े अपने नबी की ज़िंदगी को। एक शख्स हज़रत उमर के पास आया एक बेटे को लेकर, कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है और मुझे बहुत तंग करता है। हज़रत उमर के पास लाठी होती तो उन्हें यूँ उठाई, वो कहने का हुजूर माफ़ी दिया जे, एक मेरी गल सुन लो। आपने फरमाया क्या? कहने का माँ प्यो दे बड़े हक हैं। बिल्कुल ठीक है, पर कोई साढ़ा हक भी है माँ प्यो? आपने कहा हाँ। आपने कहा हाँ। कहने के ज़रा वो बता दें। का पहला हक है अच्छी माँ तलाश करे, नेक औरत तलाश करे। दूसरा हक ये है नाम अच्छा रखे। तीसरा हक ये उसको कुरान की तालीम दे। कहा जी फिर सुन लो हज़रत जी, ऐसा मेरे प्यो को पूछो इस हबशी औरत नाल शादी करके मैनू हबशी माँ दिती, इन्हू कोई अरब माँ ही नहीं लती। मेरा पहला हक इस मारे है। दूसरा सुन लो, इसने मेरा नाम जोलान रखा है। जोलान गंदगी के कीड़े को कहते। इसने मेरा नाम जोलान रखा है। उतरी सुन लो, इस आयते मैंने कुरान दी शक्ल नहीं विखाई। हज़रत उमर वही सोटा उदे सिर ते फेर दे, पहले तेरी मालिश करा फिर एदी कर सा। तो आज के वालदैन भी अपनी औलाद के बारे में बहुत 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 गाफिल हैं, और औलाद का भी हाल यही है। चूँकि माँ क्या है, बाप क्या है, औलाद क्या है, ये शरीयत, ये कुरान बताता है, ये मेरे नबी की ज़िंदगी बताती है।